गाइस कैसे आप सब उम्मीद से खैरियत से होगी। मैं हूँ आपकी शफी माता सुनना जा रहे हैं प्रोटोकॉल। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, टाटो 5 से 10, रेड चिली पाउडर बनाना 1/2 टीस्पून, लीमू लिया मैंने 1/3, नमक का 4 से 1/2 टीस्पून एंड कुरेंडर 1/2 टीस्पून। मैं सबसे पहले टाटो को मैश करती हूँ। मैं टाटो मैश करने लगी फिर मैं सारे इंग्रीडियंट्स डालूंगी। देखिए जो मेरे टाटो थे वो मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला। इनको मिक्स करने के बाद ही हम लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने इसमें रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, नमक, जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने ऐड कर लिया इसमें। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। देखिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मैंने लिया था एक स्मॉल लीमू। अब अगर आप चाहे तो अगर जिनको स्पाइसी पसंद है वो 2 टेबल स्पून कर ले, अगर जिनको स्पाइसी पसंद है वो 1 टेबल स्पून कर ले। उसके अलावा आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। गर्मी बहुत ही तो मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है। उसके अलावा इसमें कोरिएंडर, ग्रीन चिली पाउडर, कुछ भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए जो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था उसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसकी शेप बनाना शुरू करती हूँ। आप चाहे तो आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। लाइक आप इसको बॉल्स में भी ऐड बना सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल, सर्कल, चाहे जो मर्जी आप इसमें इसको बना सकते हैं। देखिए ये इसमें अगर आप चाहे इसको पतला भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसको इस तरह करेंगे। मैं इसको एक ट्रे में रख देती हूँ। देखिए मैं इसको इसमें रखती जाती हूँ और बाकी इसमें बनाती जाती हूँ। देखिए मैंने इनकी शेप बना दी है। मैं इनको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। देखिए मैं इसको 5 मिनट के बाद अब मैं इसको फ्रिज से निकाल दिया। अच्छी तरह सेट हो गया ये। जब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए है हद ज़रूरत और अंडा 1/3, अंडे में मैंने नमक लिया है 1 चुटकी। अब मैं एक एक करके ना कटलेट्स पकड़ूंगी, उसको मैं एग में डिप करूँगी। एग में डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। इसके अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद ही अब मैं पहले अपने मैं जिसमें मैं इसको फ्राई करूँगी तवे या फ्राई पैन एज यू विश, जिसमें मैं फ्राई करूँगी इसको, उसको पहले हम प्री हीट वगैरह कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे ही कैसे साइड में डाल के रखती जाऊँगी। देखिए मैंने इन 6 को अच्छी तरह कोटिंग कर दी है। अगर आप चाहे तो आप 4 भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में जिसने खाना वो बाद में फ्राई कर ले। अब देखिए मैं स्टेप बाई स्टेप पहले मैं इसको इसमें ऑयल ऐड करती हूँ तवे पे। देखिए मैं अभी इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल आप हद ज़रूरत ऐड कीजिएगा। अब देखिए मैं इसमें स्टेप बाई स्टेप इसमें ऐड करती हूँ कटलस। अब मैं इसको ऐसे ही रहते हैं इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँ। इसमें अभी 3 ऐड किया, अगर आप चाहिए तो इसमें आप सारी ऐड कर ले। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन कलर। इसको इस तरह फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। देखिए मेरे कटलेट सर्दी हो चुके हैं। ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, अब इसको खा के भी देखते हैं हम। वे बहुत मज़े के बने हैं। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।